सपा ने लॉन्च किया चुनावी गाना, यूपी में खेला होबे खतेड़ा होबे। दिल्ली की हवा में आज भी सुधार नहीं, एक्यूआई 386 दर्ज। इंडिया न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट का तीसरा दिन आज, न्यूजीलैंड ने बिना विकेट खोए बनाए 129 रन। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर डब्ल्यूएचओ ने दुनिया को चेताया, भारत अलर्ट। दिल्ली में कई अस्पतालों में आज रहेंगे ओपीडी बंद, नीट पीजी काउंसलिंग जल्द शुरू करने पर अड़े डॉक्टर्स। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। ताजनगरी आगरा में एयर कनेक्टिविटी को लेकर सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हरियाली वाटिका में की, जिसमें सोसाइटी ने एयर कनेक्टिविटी को लेकर चर्चा की। वहीं सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के जनरल सेक्रेटरी अनिल शर्मा ने बताया कि आगरा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पहले से ही डिमांड और जरूरत भी थी, लेकिन सरकार ने आगरा पर ध्यान नहीं दिया और आगरा की जगह जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं। देखिए, जो मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो आगरा की कनेक्टिविटी से संबंधित हमने बुलाई है। कल प्रधानमंत्री जी ने जेवर में बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले कहा है कि टूरिज़्म एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने से टूरिज़्म बढ़ता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो डबल इंजन की सरकार है, जो आगरा की पहले से डिमांड, एयर कनेक्टिविटी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है हरियाली वाटिका में, ये कॉन्फ्रेंस की गई और बताया कि आगरा में ज़रूरत थी, आगरा में बनना चाहिए था इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन वो नहीं हुआ। तो ज़रूरत भी बताई गई है कि हरियाली वाटिका में जो ये मीटिंग हुई है, बैठक हुई है और उसको लेकर चर्चा की गई। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के जनरल सेक्रेटरी अनिल शर्मा ने बताया है कि आगरा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पहले से ही डिमांड और ज़रूरत भी थी, लेकिन सरकार ने आगरा पर ध्यान नहीं दिया और आगरा की जगह जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं। फतेहपुर तेलियानी विकास खंड के जमालपुर मवैया के वृद्धाश्रम में पूर्व शिक्षा मंत्री अमरजीत सिंह जनसेवक के नाती ऋषभ सिंह ने अपना जन्मदिन मनाया, जिसके बाद वो तांबेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने साधु संतों को कंबल वितरित किए। इस मौके पर समाज सेवी युवक विकास समिति के जिला प्रवक्ता आलोक गौर ने बधाई देते हुए लोगों से अपील की कि सभी लोग अपना जन्मदिन उन लोगों के साथ मनाएं जिनको आपने अपने आपके अपने से ही खुशी मिल जाती है। तो वृद्धाश्रम में जाके जन्मदिन मनाया है फतेहपुर से, ये खबर सामने आ रही है और ये संदेश भी दिया है कि उन लोगों के साथ अपना जन्मदिन मनाएं जिन्हें आपकी जरूरत है, जिन्हें आपके मौजूदगी से खुशी मिलती है। तो ये फतेहपुर तेलियानी विकास खंड के जमालपुर मवैया के वृद्धाश्रम की तस्वीरें हैं, जहाँ पे पूर्व शिक्षा मंत्री अमरजीत सिंह जनसेवक के नाती ऋषभ सिंह ने अपना जन्मदिन मनाया है, जिसके बाद वो तांबेश्वर मंदिर भी गए, जहां उन्होंने साधु संतों को कंबल भी वितरित किया और इस मौके पर समाज सेवी युवा विकास समिति के जिला प्रवक्ता आलोक गौर ने बधाई देते हुए लोगों से अपील की है कि वो उन लोगों के साथ अपना जन्मदिन मनाएं जिन्हें आपकी जरूरत है। फतेहपुर जनपद के जहानाबाद में कस्बा प्रभारी अमित कुमार के नेतृत्व में कस्बे में पैदल गश्त किया गया। पैदल गश्त के दौरान गुजर रहे वाहन चालकों को यातायात माह के अंतर्गत उन्हें जागरूक किया गया। जागरूक करते हुए वाहन को सावधानी से चलाने के साथ साथ बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें और वाहनों के अभिलेख अपने साथ रखें। पुलिस द्वारा पैदल गश्त के दौरान वाहन चालकों को सावधानी पूर्वक वाहन चलाने के प्रति जागरूक भी किया गया।
अलीगढ़ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रामघाट रोड का नाम बदलकर कल्याण सिंह मार्ग कर दिया है। साथ ही डिप्टी सीएम ने करीब 150 परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए लोकार्पण भी किया। इस दौरान अखिलेश यादव और सभी पार्टियों पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि 2022 में जब जनता का फैसला आएगा तो सभी दल बेहोश होकर अच्छे डॉक्टरों से अपना इलाज कराने के लिए पहुंचेंगे। मैंने जो कहना अभी मंच से सब कुछ कह दिया है, ना जिन्ना जी ता पाएंगे, ना अतीक अहमद, आजम खान अंसारी और ता पाएंगे। जनता जिताती है, जनता भाजपा को जिता रही है, भाजपा को जिताएगी। भाजपा का कमल खिला है और वह खुशहाली का कमल है, सुशासन का कमल है, गुंडागर्दी माफिया गिरी अपराध का अंत करने वाला कमल है और वह खिला रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है हम 2022 में भी। बलरामपुर के शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने महंत नरेंद्रनाथ के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लेने पहुंचे, जिसके बाद देवीपाटन मंदिर में चल रहे भंडारे में योगी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जिले के सभी विधायक और राज्य मंत्री पलटू राम भी मौजूद रहे। जहां बता दें कि राज्य मंत्री पलटू राम ने कहा कि महंत महेंद्रनाथ जहां नाथ संप्रदाय के प्रमुख योगी रहे हैं, तो वहीं उन्होंने छुआछूत जैसी कुरीतियों को भी दूर करने की लगातार कोशिश की है। अयोध्या सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी। इस मौके पर योगी ने कहा कि सरकार खुद खड़ी होकर कन्यादान कर रही है, इससे अच्छा पुण्य का काम और क्या हो सकता है। भाजपा की सरकार में समाज के अंतिम पायदान पर बैठे श्रमिकों को लाभ मिल रहा है। कोरोना के दौरान 54 लाख श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता दिया गया। आगे योगी ने कहा कि 2017 में पहले प्रदेश में भ्रष्टाचार था, अराजकता थी, लेकिन 2017 में सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त प्रदेश बन गया है। आज संविधान की बलवत्ता ताकत के कारण ही आपने देखा होगा कि संविधान की ताकत यही भारत के संविधान की ताकत है। एक श्रमिक की कन्या की शादी में प्रदेश सरकार स्वयं उपस्थित होकर के कन्यादान का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारीगण और सभी विधायक, सांसद, अन्य प्रतिनिधिगण स्वयं उपस्थित होकर के कन्यादान का आयोजन कर रहे हैं। इससे पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है, और इसलिए आपका आयोजन अत्यंत पुण्य। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान नेताओं ने अपनी समस्या को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। यहां पहुंचे किसानों का कहना है कि जब भी गांव में कोई घटना होती है तो उसकी जानकारी प्रशासन को दी जाती है, प्रशासन उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेता है, जिससे गांव में परेशानी बढ़ती जा रही है। वहीं किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अवनीश पवार का कहना है कि गांव में गंदगी का अंबार लगा रहता है, जिससे बीमारियां बढ़ रही हैं। भैया, हमने काफ़ी टाइम से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं जिसकी सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही। हम ज्ञापन देते हैं, अब चाहे नाला हो, नाले में मच्छर पैदा हो रहे हैं, डेंगू हो रहे हैं, डेंगू के इलाज के लिए हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जितने चाहे उतने पैसे मांग लो। हम तो त्रस्त होकर आए हैं, चोरी का मामला है, चोरी की रिपोर्ट कराने जाते हैं तो कहते हैं नेतागिरी दिखा देंगे। अरे भैया, रिपोर्ट तो लिखोगे चोरी की, प्रशासन से हम त्रस्त हो गए। 15 दिन पहले मेरठ और हापुड़ रेलवे स्टेशन पर धमकी भरी चिट्ठी मिलने के बाद सभी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। चिट्ठी में साफ तौर पर 6/11 और 26/11 तारीख को कई स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसमें अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन भी शामिल था, जिसको लेकर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रही। इसके साथ ही क्षेत्राधिकारी ने स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें सभी यात्रियों के बैग और सामान को मेटल डिटेक्टर से चेक किया गया। उत्तर प्रदेश श्रम विभाग के राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने बीते दिन मदरसों को बंद कराने का बयान दिया था। उनके इस बयान के बाद अब राजनीति तेज हो गई है। इस बयान पर पलटवार करते हुए आरएलडी युवा नेता राजा भैया ने राज्य मंत्री रघुराज सिंह को कहा कि जल्द ही रघुराज सिंह की संपत्ति जब्त कराकर उनके मकान में मदरसा बनवाया जाएगा। इस कड़ी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र नेता मोहम्मद नासिफ ने कहा कि भाजपा के लोग हमेशा संविधान विरोधी विधि करते रहते हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए।
रामपुर के कोतवाली स्वार थाना क्षेत्र में दरोगा को रिश्वत लेते हुए मुरादाबाद से पहुंची एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया। दरोगा शोकेंद्र कुमार को एंटी करप्शन ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रेप पीड़िता से बयान दर्ज कराने के नाम पर दरोगा ने 20,000 की मांग की थी। तो रिश्वत लेने का मामला सामने आया है, जहां दरोगा रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है और एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए दरोगा को गिरफ्तार कर लिया है। रामपुर के कोतवाली स्वार थाना क्षेत्र से ये खबर सामने आई है, जहां दरोगा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मुरादाबाद से पहुंची एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तारी की है। दरोगा शोकेंद्र कुमार को एंटी करप्शन ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि रेप पीड़िता से बयान दर्ज कराने के नाम पर दरोगा ने 20,000 की मांग की थी। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के 7 मील तिराहे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। जहां फतेहपुर लखनऊ मार्ग NH 232 पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसकी सूचना मिलने के बावजूद भी स्थानीय पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद युवक को एम्बुलेंस से CHC हुसैनगंज भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि पीछे से टक्कर मारी गई बाइक सवार को, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया और इसमें पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। सूचना देने के बाद भी स्थानीय पुलिस पहुंची नहीं मौके पर, जिसके बाद CHC अस्पताल में घायल को भर्ती कराया गया है। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के 7 मील तिराहे का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पे तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। NH 232 पर ये तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी सूचना मिलने के बावजूद भी स्थानीय पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और एम्बुलेंस से CHC हुसैनगंज भेजा गया युवक को। चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। तो देरी होने की वजह से मृत घोषित कर दिया गया, स्थानीय पुलिस नहीं पहुंची, तो बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। इस खबर पर हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अमरदीप जुड़ चुके हैं फतेहपुर से। अमरदीप, क्या है पूरा मामला? जी, मामला ये है कि 1.5 साल ये हुसैनगंज थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर ये युवक जो है अपने घर को लौट रहा था और तेज रफ्तार कहर जो इस समय जिले में पूरी तरीके से लागू है, कोई भी सरकारी प्रशासन द्वारा कोई भी तेज रफ्तार कहर पे जो है रोकने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। जहां पर इसको जो है पीछे से जो है ट्रक ने टक्कर मारी है, जहां पर इसकी मौत हो गई है। ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना भी दी गई, पर अभी मतलब कोई भी वहां पर पुलिस प्रशासन नहीं पहुंचा, तो ग्रामीणों ने उसे जो है हॉस्पिटल भिजवाया है, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है। ग्रामीणों द्वारा ही परिजनों को सूचना दी गई है, परिजन पहुंच करके उसके जो है परिवार में कोहराम मच गया था। जी, मामला ये है अभी तक। जी अमरदीप, जिस तरह की बड़ी लापरवाही पुलिस प्रशासन की देखने को मिली, तो इसमें पुलिस का क्या कहना है? देखिए, पुलिस का क्या कहना है, पुलिस तो हमेशा यही कहती है कि ठीक है, पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं, देखेंगे। इसके अलावा उसके पास कुछ भी ऐसा उत्तर नहीं है जिससे कि वो किसी के साथ हुई मजबूरी पे वो अपनी सिंपैथी जता सके। जी, तो जो पुलिस की बड़ी लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से जान चली गई है युवक की, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, इसकी जिम्मेदारी वाली बात अगर की जाए तो देखिए, पुलिस कप्तान के पास सूचना भी पहुंच गई है कि पुलिस की लापरवाही सामने आई है। अब ये पुलिस कप्तान का जो है निर्णय है कि वो इस ऐसी घटनाओं पे या पुलिस के देरी से पहुंचने के कारणों की वो खुद जांच करेंगे और उनका ही निर्णय वो सर्वमान्य होगा जाकर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अमरदीप जुड़े थे फतेहपुर से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।